सो सीएम, लास्ट लेक्चर तक हम कुछ फॉर्मूलेस देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड, तो उन्हीं बिट्स को हम आगे बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, और उस फॉर्मूलेस के अंदर मैंने आपको स्मॉल एन का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो उसका फॉर्मूला आया था स्मॉल एन का, स्मॉल एन का फॉर्मूला आया था पी बाय एच न्यू, और इसी को हम लिख सकते हैं पी लैम्डा बाय एच सी। ओके, तो इसमें अगर एच सी का वैल्यू पुट करते हैं हम, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, और सी का वैल्यू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा 5 × 10^24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके, इंटू पी लैम्डा। तो इससे आप स्मॉल एन का वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपने ये लिखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, इसे रफ कर देता हूं मैं अभी। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, तो देखिएगा अब रेडिएशन फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज फोर्स। ओके, तो आप देखिएगा दो केसेस इसमें, पहले केस में हमें क्या करना है, एक फोटोन है जो इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस के साथ, तो उसका एनर्जी है एच एच बाय लैम्डा। ओके, ये फोटोन का जो मोमेंटम है वो एच बाय लैम्डा आने वाला है, कुछ एनर्जी ई रहेगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और फिर हम इन टर्म्स ऑफ उसका मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो वो एच बाय लैम्डा आएगा। अगर ये फोटोन रिफ्लेक्ट होता है ओके उतने ही स्पीड से, ओके विदाउट एनी लॉस अगर ये रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर उसका नेक्स्ट जो मोमेंटम रहेगा वो माइनस एच बाय लैम्डा रहेगा, जाते वक्त एच बाय लैम्डा है, आते वक्त माइनस एच बाय लैम्डा रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आने वाला है बोलो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ओके, तो पी टू का वैल्यू माइनस एच बाय लैम्डा है और पी वन का वैल्यू एच बाय लैम्डा है। ओके, तो ये आएगा माइनस टू एच बाय लैम्डा, इज इट ओके। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर हम कंसिडर करते हैं तो फिर वो आएगा 2h/λ, इज इट ओके। और आपको पता है रेडिएशन फोर्स अगर हमें निकालना है तो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होगा, ओके डीपी बाय डीटी। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब हमें इसको टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा इस फैक्टर को, तो 2h/T × λ, तो ये होगा हमारा, ये रहने वाला है हमारा रेडिएशन फोर्स। ओके, इसी को रेडिएशन फोर्स कहा जाता है। अगर ये मोमेंटम मतलब ये फोटोन अगर रिफ्लेक्ट होता है तो फिर एट दैट टाइम ये फॉर्मूला आएगा। ओके, और ये सिर्फ एक फोटोन के लिए हुआ, ऐसे अगर n फोटॉन्स होते हैं तो फिर हम इसे कैपिटल n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी कैपिटल n आएगा। ओके, तो ये फाइनली ऐसे आने वाला है 2 × h × N/T λ, एक फोटोन के लिए 2h/T λ है, लेकिन n फोटॉन्स के लिए 2hn/T λ आएगा। अब कैपिटल n बाय t की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ बोलो बच्चों, बाई विच फैक्टर वी शुड रिप्लेस कैपिटल एन बाई टी, अभी मैंने बताया था आपको स्मॉल एन राइट आंसर है, स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो इस वजह से वो रहेगा स्मॉल एन इंटू 2h/λ। ओके, स्मॉल एन इंटू 2h/λ ये फैक्टर रहेगा। ओके, इज इट ओके, तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। ओके, तो अभी देखिएगा तो 2h/λ इंटू स्मॉल एन रहेगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको स्मॉल एन का फॉर्मूला बताया, देखिएगा आप आपके नोटबुक में चेक कीजिएगा स्मॉल एन का फॉर्मूला ये बताया क्या नहीं बताया मैंने। ओके, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी है या नहीं, देखो स्मॉल एन का फॉर्मूला पी लैम्डा बाय एच सी, अभी ये वीडियो स्टार्ट करने के बाद भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ स्मॉल एन का,
इसी फोर्स के फॉर्मूले में मैं आपको स्मॉल एन का वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ, पी लैम्डा बाय एच सी इंटू टू एच बाय लैम्डा। ओके, तो लैम्डा लैम्डा कट हुआ, टू एच और ये एच कट हुआ, तो फाइनली क्या बचने वाला है बच्चों, टू पी बाय सी यहां पर बचने वाला है। इज इट ओके? तो टू इंटू मोमेंटम पी डिवाइडेड बाय सी आएगा। ओके, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा। ओके, तो ये फाइनल आंसर आने वाला है, टू पी बाय सी। ओके, तो ये होगा रेडिएशन फोर्स का आंसर, रेडिएशन फोर्स इज इक्वल टू टू पी बाय सी। और रेडिएशन फोर्स आने के बाद रेडिएशन प्रेशर निकालना बहुत आसान काम है। मुझे बताओ प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? एफ बाय ए राइट आंसर है, फोर्स पर यूनिट एरिया दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज प्रेशर, राइट आंसर है। तो अभी ये फोर्स आ गया हमारा 2p by c, ओके, उसे मैं अगर एरिया से डिवाइड करूंगा तो 2p by ac आएगा, तो यही होगा रेडिएशन रेडिएशन प्रेशर। ओके, ये रेडिएशन प्रेशर का p है, तो कंफ्यूज ना हो इस वजह से ये पूरा वर्ड लिखो, ओके, वरना pp में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये प्रेशर आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आने वाला है। ओके, इज इट ओके? तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू मोमेंटम पी अपॉन, ओके, ये मोमेंटम का पी नहीं है अभी देखिएगा, ये पावर का पी है। आपको पता है ये इस फॉर्मूले में आने वाला पी है, आपको पता है ये जो फॉर्मूला था हमारा स्मॉल एन इज इक्वल टू पी लैम्डा बाय एच सी, तो ये वाला जो पी था ना ये पावर का था, बहुत अच्छे से देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम वाला पी, स्मॉल पी हम इंडिकेट करते इसे लगा तो, ये स्मॉल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम था, और इसका फॉर्मूला टू ये आने वाला था, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, टू एच एन डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, ये चेंज इन मोमेंटम था, लेकिन ये जो पी था ना स्मॉल एन के फॉर्मूले में, ये पावर का था, और यही स्मॉल पी इस फॉर्मूले में बच रहा है, कौन से फॉर्मूले में, ये वाला जो है हमारा रेडिएशन फोर्स का, टू पी बाय सी, तो ये पी मतलब पावर का पी है, तो इस वजह से फोर्स अपॉन एरिया जब हम करेंगे तो ये टू पी बाय सी आने वाला है। तो आप अच्छे से देखिएगा, पावर पी है, एरिया ए है, और सी मतलब वेलोसिटी है, तो इस वजह से पावर अपॉन एरिया, आपको पता होगा रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, लेकिन एनर्जी अपॉन टाइम को मैंने पावर से रिप्लेस किया था। ओके, तो पी बाय ए इज इक्वल टू आई से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो पूरा टर्म है ना पी बाय ए, मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ आई से, तो इस वजह से टू आई बाय सी या अनदर फॉर्मूला आएगा प्रेशर का। ओके, टू इंटू इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, या अनदर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। सभी पी में कंफ्यूज नहीं होना है, पहला जो इसके पहले मैंने जो पी इंटेंसिटी के फॉर्मूले में बताया था वो पावर का था, वो कैपिटल पी है, और ये स्मॉल पी मतलब मोमेंटम का है। ओके, ये जो है ये सभी स्मॉल पी है मोमेंटम के, तो चेंज इन मोमेंटम, ओके, डेल्टा पी इज इक्वल टू आने वाला है टू एच एन डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, तो इस वाइज ये फॉर्मूला रहेगा, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी ये डेरिवेशन आप याद रखो ना रखो। ओके, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। ओके, रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला है टू पी बाय सी, और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है टू आई बाय सी। ओके, इज इट ओके? क्लियर हुआ बच्चों? इज इट ओके? हैव यू रिटन दिस? लिखा है आपने इसे? ओके, अभी देखिएगा इसका एक दूसरा केस आता है, व्हेन रेडिएशन आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब ऐसे सरफेस पर अगर इंसिडेंट हो रहा है फोटोन, कि जो सरफेस फोटोन को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन का केस था, फोटोन आ रहा था सरफेस को लगकर रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो फोटोन रिफ्लेक्ट हो, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस रहा ना तो जितना भी फोटोन का एनर्जी आएगा उतना का उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इस केस को अच्छे से लिख लीजिएगा, अब इसी केस में मैं समवॉट चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, क्योंकि जितना भी फोटोन आया उतना का उतना ही सरफेस ने एब्जॉर्ब किया, अभी रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, इस वजह से P2 का वैल्यू जीरो आ गया। ओके, जो P2 मोमेंटम था ये जीरो आ गया। अब P2 का वैल्यू जीरो आने से P2 माइनस P1 मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये जो फैक्टर है ये जीरो माइनस एच बाय लैम्डा आएगा। ओके, इसी वजह से ये टू एच बाय लैम्डा
न आते हुए ये क्या आएगा फिर देखिएगा अब, एक फोटोन का एच बाय लैम्डा है तो एन फोटॉन्स का आएगा माइनस एन एच बाय लैम्डा। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं तो एन एच बाय लैम्डा आएगा। ओके तो इस वजह से चेंज इन मोमेंटम क्या आने वाला है फिर इस केस में, एन एच बाय लैम्डा, ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है मोमेंटम का। फिर चेंज इन मतलब फोर्स क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर समवॉट चेंज होने वाला है इस फॉर्मूले में, क्या चेंज होने वाला है, एन एच बाय लैम्डा इंटू टी। ओके तो ऐसा आने वाला है। फिर यहाँ पर भी वही हमें प्रोसेस रिपीट करना है, कैपिटल एन बाय टी की जगह स्मॉल एन से हमें इसे रिप्लेस करना है, स्मॉल एन इंटू टू एच बाय लैम्डा की जगह अब यहाँ पर सिर्फ एच बाय लैम्डा आएगा। ओके और फिर आगे का फॉर्मूला क्या आने वाला है देखिएगा, अब टू एच बाय लैम्डा न लिखते हुए एच बाय लैम्डा लिखना पड़ेगा, तो ये टू पी बाय सी न आते हुए पी बाय सी आएगा। तो सिर्फ एक ही चेंज आएगा इस केस में, जो हमारा फॉर्मूला आने वाला है रेडिएशन फोर्स का वो पी बाय सी आने वाला है टू पी बाय सी की जगह, और यहाँ पर भी वही होगा, ये टू निकल जाएगा तो आई बाय सी आएगा। ओके तो रेडिएशन प्रेशर आई बाय सी आएगा और रेडिएशन फोर्स पी बाय सी आने वाला है। ओके कब, अगर ये फोटोन जो इंसिडेंट है ये पूरा, अगर ये सरफेस ऐसे सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है जो एब्जॉर्बिंग है, तो ये पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी फोटोन को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, तो इस केस में ये बीट आएगा। रिफ्लेक्ट हुआ तो टू पी बाय सी टू आई बाय सी, और रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो पी बाय सी आई बाय सी। ओके तो इस वाइज सिंपल फॉर्मूले याद रखना। तो जितने भी एडवांस फॉर्मुलेस थे जो आपको नॉर्मल बुक में नजर नहीं आते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये सभी फॉर्मुलेस हमारे इस बीट में हो गए। ओके सभी क्वांटिटीज को अच्छे से देखिएगा, सभी क्वांटिटी के यूनिट आपको पता होने जरूरी है। अभी इसी के ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को लेना है। ओके पहले ये समझ में आए कि बोलो, सभी फॉर्मुलेज अच्छे से लिख लो। करना है सिर्फ ओके ठीक है। तो अभी इसी बीट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिएगा आप, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल। चलो कैलकुलेट करो, आप लैम्डा का वैल्यू दिया है और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके सभी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताए। देखिएगा आज के लेक्चर में जो पहले ही फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद, तो उसी फॉर्मूले में आपको मतलब उसी बीट में आपको इसका फॉर्मूला नजर आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है देखो, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आपको फॉर्मूला यूज करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेशन कर सकते हो और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी, लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आपको यूज करना है। और इसका शॉर्ट ट्रिक जो भी मैंने आपको बताया था वो याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट एक फॉर्म में तो भी आपका आंसर चाहिए। दो फॉर्म्स में उन्होंने पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, तो कोई भी एक फॉर्म में आंसर निकालो। चलो वैसे मत बैठो, सॉल्व करो जल्दी से। चलो वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, फॉर्मूला देखो आपने लिखा है आपके नोटबुक में अभी, जल्दी से सॉल्व करो। चलो एक मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए। थर्टी वन यूनिट क्या है बोलो वैष्णव इसका, हाँ राइट आंसर है आदित्य आपका। वैष्णव आप देखिएगा पॉइंट में आपका इधर उधर हुआ है, थोड़ा एक पॉइंट आपका इधर उधर हुआ है, बाकी आपने नंबर बराबर निकाला है। आदित्य आपका बराबर है, और भी किसी का आंसर आ गया क्या? कल्याणी देखो आपने पावर में कंफ्यूजन किया है कुछ,
इतना कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं है उसका। नंबर सभी स्टूडेंट का बराबर है अभी तक जितने भी आंसर आए उतने। ओके ठीक है ठीक है, वैष्णविन करेक्ट के आंसर बराबर है अभी। ओके राइट आंसर है, राइट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है तो पहला आंसर मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, अभी जूल्स में भी निकालने का सोचिएगा। ओके ऑल्सो फाइंड द आंसर इन जूल। आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वेवलेंथ दिया है तो आपको न्यू का वैल्यू पता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी की जगह हम सी बाय लैम्ब्डा पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलेज है एनर्जी ऑफ फोटोन के, ये दोनों छोड़कर कोई फॉर्मूला नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा सेकंड वाला, क्योंकि वेवलेंथ दिया है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। ओके और वो क्या है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा। ओके ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, तो ये यूज करना है आपको, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा का वैल्यू 4000, इस फॉर्मूले में लैम्ब्डा एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है, तभी हमारा फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके तो अभी ये एनर्जी ऑफ फोटोन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलने वाला है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 00 कट हुआ। ओके अभी 124 डिवाइडेड बाय 40 है, ठीक है, तो इसे हम 12.4 डिवाइडेड बाय 4 लिखने वाले हैं, तो 4 3 12 4 1 4, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इजी है देखो बच्चों। ओके तो ये आ गया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जूल में भी निकालना है, तो जूल में कैसे निकालोगे बोलो, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे जूल में कैसे कन्वर्जन करोगे, मैंने आपको इसका कन्वर्जन बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। ओके मतलब मैं एक ईवी की जगह इतना वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं, तो मुझे इस ईवी को निकालने के बाद इसकी जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, 1.6 इंटू 10^-19, तो अभी आंसर जूल में आएगा। तो अभी इस 1.6 को 3.1 से मल्टीप्लाई करो, इतना हमें परफेक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमें जस्ट 0.22 इंटू 10^-5, नहीं ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करो, 1.6 है, ये 3.1 है, ठीक है जाने दो, एक 0.1 इसका निकाल दो। ओके इसे 3 इमेजिन करो, तो 3 इंटू 1.6 मतलब 4.8 होगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10^-19 जूल चाहिए, इज इट ओके, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली अगर आपने यूज किया तो 5 के करीब कुछ आ जाएगा। ओके ठीक है तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेना, हाँ 4.96 करेक्ट आंसर है। ओके एग्जैक्ट आंसर इसका 4.96 है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी लिया तो भी हमारा कुछ ज्यादा आंसर हिल नहीं रहा है, और इतना माइनर फर्क तो आपको ऑप्शन में नजर ही आता है। ओके मतलब ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इस वजह से आप इजीली पिकअप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के आंसर। ओके अब समझ में आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया बच्चों, करना है सिर्फ, ठीक है नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 मिलीवाट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पावर ऑफ बल्ब इज 60 मिलीवाट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है एमिटेड बाय द बल्ब, एमिटेड बाय द बल्ब, ठीक है तो अभी देखिएगा, द पावर ऑफ बल्ब इज 60 मिलीवाट, तो पावर दिया आपको, पावर को हम पी से इंडिकेट करते हैं, 60 मिलीवाट है, तो इसे वैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 इंटू 10^-3 वैट। ओके द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ 6000 है एंगस्ट्रॉम, तो इसे यहां पर कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो कर देते हैं, 6 इंटू 10^-7 मीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर सेकेंड, बताओ मुझे क्या निकालना है, विच क्वांटिटी वी हैव टू कैलकुलेट, पहचानो इसे, स्मॉल एन, एकदम करेक्ट आंसर है, ओके स्मॉल एन हमें निकालना है। तो क्या आप इसका फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो आंसर, मैंने अभी आपको लिख कर दिया, बहुत सारे फॉर्मूले लिख कर दिए स्मॉल एन के, जो फिट बैठेगा इस कंडीशन में उसे यूज करो और मुझे तुरंत आंसर दो, ठीक है, आंसर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी कैलकुलेशन प्रॉपरली यूज करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। पी दिया है, लैम्डा दिया है, पी और लैम्डा के टर्म में आपको स्मॉल एन का फॉर्मूला यूज करना है, ओके यूज इट एंड फाइंड इट, फाइंड द फाइनल आंसर। अब इस फॉर्मूले में भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, तो वो भी लगभग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है ना जूल और मीटर में था, और तो डेफिनेटली आपको लैम्डा को मीटर में करना पड़ेगा जो ऑलरेडी किया है, ओके और पावर ऑलरेडी वाट में, तो वो आप शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, ओके याद करो उसे, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जिस मेथड से जाना चाहते हो उस मेथड से जाओ और मुझे फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ। वी हैव टू फाइंड स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एकदम करेक्ट आंसर है, पहली 1800 इंटू 10^14 -14, पावर आपका प्लस माइनस में गलत है, सिर्फ देखो -14 है क्या, देखो पावर -14 है या +14 है, देखो हाँ +14, तो ऐसे माइनर गलतियां करनी नहीं, ओके वरना इतना मेहनत लेके आप फाइनल आंसर निकालोगे और ऑप्शन में अगर वो आपने जो गलत निकाला वो अगर रहा तो फिर पूरा क्वेश्चन का मार्क चला जाएगा, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन रखना कैलकुलेशन में। तो स्मॉल एन का फॉर्मूला आपको पता है पी लैम्डा बाय एच सी है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था 5 × 10^24 पी लैम्डा, ओके ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं भी शॉर्ट ट्रिक यूज किया आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया तो भी आंसर आ जाएगा यही, ओके तो 5 × लेकिन ये थोड़ा जल्दी आंसर देगा आपको, वरना आपको बहुत मेहनत लेना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए, ओके तो 5 × 10^24 पी का वैल्यू कितना है 60 × 10^-3 और लैम्डा का वैल्यू 6 × 10^-7, ओके तो ऐसा ही है, अभी देखिएगा तो 5 × 60 × 6 ऐसा ये नंबर फैक्टर है और ये -3 -7 -10 होगा, तो -10 + 24 तो पावर आएगा इसका डेफिनेटली 10^+14, ओके और 5 × 60 = 300 × 6 1800, ओके तो 1800 × 10^14 फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है मतलब ये आने वाला है 1.8 × 10^17 फोटॉन्स पर सेकेंड, इज इट ओके। आंसर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना, 0.5 और 5 के बीच में इसका नंबर फैक्टर रखना, तभी फिर क्या होता है हमारा फाइनल आंसर मैच हो जाता है, ओके आंसर आपका 5 से कम और 0.5 से ज्यादा या इक्वल चलेगा, ठीक है थोड़ा मतलब जल्दी आंसर मैच हो जाता है, वरना फिर देखना पड़ता है 1800 मतलब ही ये ऑप्शन मतलब ही कौन सा ऑप्शन है, तो थोड़ा उसमें देर चला जाता है, इस वजह से फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में निकालिएगा, ओके तो अच्छे आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, ओके ट्राई करो आप खुद तो ही कुछ होगा, ठीक है करना ही सिर्फ आप लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 3, द एनर्जी The energy flux of sunlight, the energy flux of sunlight reaching on the earth surface is reaching on the earth surface is 1.388 into 10^3 वैट पर मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी फोटॉन्स ब्रैकेट में उन्होंने नियरली दिया है, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकाला तो भी चलेगा, हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर सेकेंड
हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर सेकेंड, सॉरी एक मिनट, हाउ मेनी फोटॉन्स पर मीटर पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड. पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड. ओके, हाउ मेनी फोटॉन्स इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये हमें निकालना है. एज्यूम दैट फोटॉन्स इन द सनलाइट लीव एन एवरेज लेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर. ओके, मतलब जो एक एजम्पशन करने के लिए दिया है, एज्यूम वेवलेंथ, एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट उन्होंने दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लगने वाला है, और वो दिया है 550 नैनोमीटर. तो इस 550 नैनोमीटर को ही हम लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10^-7 मीटर. तो ये कन्वर्जन कर दिया पहले वेवलेंथ का. द एनर्जी फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है देखिएगा, फ्लक्स मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, वेबर पर मीटर, सॉरी वैट पर मीटर स्क्वायर है. तो मुझे बताओ वैट पर मीटर स्क्वायर में हम क्या मेजर करते हैं, विच क्वांटिटी वी आर मेजरिंग इन वैट्स पर मीटर स्क्वायर. यूनिट से पहचानो क्वांटिटी कौन सा है. पी नहीं ना, पी नहीं है, देखो पी का तो यूनिट वैट है ना. ओके, इंटेंसिटी राइट आंसर है. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटेंसिटी. तो आपको क्वांटिटी नहीं भी समझ में आया, उन्होंने क्या दिया ई फ्लक्स ये वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो वो नहीं भी समझ में आया, तो यूनिट से आपको समझ जाना है कि ये क्वांटिटी क्या है. तो आई का वैल्यू दिया आपको 1.388 इंटू 10^3 वैट पर मीटर स्क्वायर. और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला मतलब ही होता है आई इज इक्वल टू पी बाय ए. ओके, पावर पर यूनिट एरिया मतलब क्या रहेगा इंटेंसिटी, और इस इंटेंसिटी का वैल्यू उन्होंने आपको गिवन दिया है 1.388 इंटू 10^3 वैट पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब इसके बाद देखिएगा एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं हम, वेवलेंथ दिया हमें फोटोन का, तो हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एच सी बाय लैम्बडा. ओके, तो लैम्बडा का वैल्यू पुट करके हम इजिली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ हमें मीटर में निकालना पड़ेगा. ओके, सॉरी एनर्जी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्ड्स में नहीं चाहिए, जूल में चाहिए, तो सभी वैल्यू पुट करने पड़ेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन होल्ड्स में अगर हम निकालते हैं तो भी चलता है, उसे फाइनली आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपको इजी लगे वो कीजिएगा. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन होल्ड्स में अगर हम एनर्जी निकालते हैं फोटोन का, तो वो हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला यूज करो 12400. यहाँ पर फिर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना पड़ता है, तो एंगस्ट्रॉम में इसका कन्वर्जन आएगा 550 नैनोमीटर का 5500. ओके, तो ये 0000 कट हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा, और फिर उसे फाइनली 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना है. इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.616 इंटू 10^-19 जूल. ओके, याद रखिएगा ये वैल्यू, ये एनर्जी का वैल्यू आ गया जूल में, मतलब इस फॉर्मूले से आपको जो आंसर मिलेगा ना वो इलेक्ट्रॉन होल्ड्स में मिलेगा, और फिर उसे हमने कन्वर्ट किया है जूल्स में, तो फिर ये आंसर आपको फाइनली मिल रहा है. ठीक है, अभी हमें स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल एन का फॉर्मूला देखिएगा ऐसा कुछ है, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी आई बाय ई. ओके, ये स्मॉल एन का फॉर्मूला है जो हमने फॉर्मूला पुट किया था पहले. ओके, आपको पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाय एच सी होगा, इस स्मॉल एन का फॉर्मूला पी लैम्बडा बाय एच सी है. ओके, तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ओके, आई बाय ई, आई मतलब पावर अपॉन एरिया होगा, तो इसे एरिया से हमें डिवाइड करना है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा एरिया से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करो, तो फिर उसे पूरा रीअरेंज करने के बाद इस इक्वेशन को फिर हमें आई बाय ई ये फॉर्मूला मिल जाएगा. ये अनदर एक फॉर्मूला याद रखना स्मॉल एन का. ओके, ठीक है, तो अब देखिएगा फाइनली फिर क्या आने वाला है, आई का वैल्यू 1.388 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 3.616 डिवाइडेड बाय 10^-19. तो इसे सॉल्व कीजिएगा, फाइनली आंसर आएगा 3.83 इंटू 10^21 फोटॉन्स
फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमें कैलकुलेशन निकालना था, मतलब यहाँ पर हमें फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकालने थे। ओके, तो इसी वजह से हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ा। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब कैपिटल एन, ठीक है, जस्ट वन मिनट, ये जो फॉर्मूला आई बाय ई ए ये कैसे निकाला ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। फाइनल आंसर तो ये आ गया, यहाँ पर हमें स्मॉल एन मतलब क्या वैल्यू निकालना था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये वैल्यू हमें निकालना था। ओके, ये स्मॉल एन मतलब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इसी को हम मतलब इससे लगा तो मैं एन डैश इमेजिन करता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर हमें एन डैश निकालना था। एन डैश मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखिएगा हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड, तो ये हमें कैलकुलेशन करना था, इस वजह से मैंने उसे एन डैश से इमेजिन किया है। हमारा नॉर्मल एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम होता है, पर यूनिट एरिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट एरिया निकालना था, इस वजह से मैंने एन डैश से इमेजिन किया इसे, और ये एन डैश इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय टी इनटू एरिया आएगा। तो अभी देखिएगा स्मॉल एन बाय टी मतलब स्मॉल एन है हमारा, तो स्मॉल एन बाय ए ये हमें निकालना था यहाँ पर कैलकुलेशन। तो स्मॉल एन का ही फॉर्मूला पी लैम्डा बाय क्या आएगा, एच सी इनटू ए, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मैं पी बाय ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, आई, तो इसी वजह से मैंने इसकी जगह आई पुट किया, तो आई इंटू लैमड़ा बाय एच सी आएगा, लेकिन एच सी बाय लैमड़ा मतलब ई होता है, इस वजह से ये फॉर्मूला इस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ा। ओके, एन डैश इज इक्वल टू आई बाय ई, इज इट ओके, समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला इस कंडीशन में क्यों यूज किया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पूछा था हाउ मेनी फोटॉन्स इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स वाई वी यूज दिस फॉर्मूला। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये बिट खत्म हो जाता है, करो इसे रफ। हो गया लिखकर, हो गया क्लिक कर, ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6600 नैनो नैनोमीटर मस्ट स्ट्राइक अ टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन पर सेकंड एट नॉर्मल इंसिडेंस, एट नॉर्मल इंसिडेंस सो एज टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर रेडिएशन फोर्स दिया आपको, तो एफ का वैल्यू दिया है वन न्यूटन। ओके, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, हाउ मेनी फोटॉन्स मतलब कैपिटल एन का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, लैम्बडा का वैल्यू दिया है 6600 नैनोमीटर, तो ये वेवलेंथ थोड़ा अलग है, इसका कन्वर्जन मतलब हमारे नॉर्मल कन्वर्जन की तरह नहीं होगा, ये नैनोमीटर में आपको 6600 है, तो एंगस्ट्रॉम में आएगा 6600। ओके, एंगस्ट्रॉम, तो फिर इसके तीन पॉइंट को शिफ्ट किया तो फिर ये आएगा 66 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, इज इट ओके, तो ये कन्वर्जन याद रखना, पर्टिकुलरली इसी टाइप में ये कन्वर्जन आएगा। ओके, क्योंकि 6600 नैनोमीटर था ये,
टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन, तो एक टोटल रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, मतलब जितना फोटोन आने वाला है उतना का उतना रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये हमारा पहला केस है, याद कीजिएगा। ओके, रेडिएशन फोर्स में मैंने आपको दो फॉर्मुलेज बताए थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला आपको पता है, 2P/c होगा। ओके, इज इट ओके? चेक करो आपके नोटबुक में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला 2P/c था। ओके, और यहाँ पर मतलब ठीक है, तो अभी निकालना क्या है हमें, कैपिटल एन का वैल्यू निकालना है। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दिस कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, और इस केस में हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पूछा है उन्होंने, सॉरी, तो हमें स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड हमें निकालना है, तो इस वजह से स्मॉल एन का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो आप देखिएगा कैपिटल एफ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो था 2NH डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको यूज करके बताया था जब फोर्स का फॉर्मूला निकाला था तब। ओके, 2NH डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये आया था या नहीं आया था देखो, इसमें अगर हम स्मॉल एन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ लैम्बडा बाय 2H आएगा। ओके, तो बस वैल्यूज पुट कीजिएगा, फाइनल आंसर निकालिएगा। फोर्स का वैल्यू 1 है, लैम्बडा का 6×10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2×H का वैल्यू 6.63×10⁻¹⁴। तो ये वैल्यू को ये वैल्यू के साथ अप्रोक्सीमेटली कट कर दो 10 के साथ। ओके, ऊपर 66 से नीचे 6.6 था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10/2 मतलब 5 आएगा। ओके, नियरली उन्होंने मतलब नियरली अगर हम आंसर निकालते हैं तो 5×, अब देखिएगा पावर -34 ऊपर जाके +34 होगा, तो +34 -7 कितना होगा, फिर देखिएगा 34 में से 7 चला गया तो 27 आएगा। ओके, तो ये होगा फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, आ गया समझ में बच्चों? ये फॉर्मूला देखिएगा, मैंने आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डेरिवेशन करते वक्त रेडिएशन फोर्स का निकाल के दिखाया था। ओके, आ गया समझ में? तो इतने लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और आपको इस बिट पर तो भी पूछा नहीं जाएगा। ओके, और एक लेक्चर रिक्वायर्ड इस टॉपिक के ऊपर, वो हम लेंगे, इसके बाद ये बिट खत्म हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो कल के लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस लेते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।